नमस्कार, आप देख रहे हैं amarujala.com और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। मेरठ निवासी एमबीए के छात्र प्रियांशु जैन की अहमदाबाद में बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। ये खबर रविवार को जैसे ही परिजनों को मिली तो उनके होश उड़ गए। माँ का रो रो कर बुरा हाल था तो पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। बड़ी बहन शादी हो चुकी है, वो अपने घर पर ही आई हुई थी परिवार के साथ। इसके बाद जैसे ही बेटे की मौत की खबर मिली तो बहन, जीजा और पिता तीनों अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को जैसे ही शव को मेरठ लाया गया तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बिलख बिलख कर यही कह रही थी कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था, क्यों उसे चाकू घोप कर मार डाला। कार में कोई भला चाकू रखता है क्या? कोई आरोपियों को फांसी दिला दो, कोई आरोपियों को सजा दिला दो। आखिर ये क्या वारदात थी, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया? बताते हैं पूरी घटना क्या थी। दरअसल रविवार रात को प्रियांशु अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर अपने लिए सूट का नापा देने के लिए टेलर के पास जा रहा था। इसी दौरान बताया गया कि किसी दोस्त का जन्मदिन भी था, इसलिए दोनों ने एक बेकरी से केक लिया और वहां से दोनों बाइक पर लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनकी बाइक से टकराने की कोशिश की तो प्रियांशु ने उस चालक को कहा कि कार सही से चला ले। इसके बाद कार चालक पर इस कदर गुस्सा सवार हुआ कि उसने तकरीबन 20 मीटर तक प्रियांशु की बाइक का पीछा किया और इसके बाद कार से चाकू निकालकर उसे चाकू घोप कर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि प्रियांशु का दोस्त मदद के लिए चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने अपने वाहन नहीं रोके और ये आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। ये भी सामने आया कि मीनाक्षी बहन नाम की एक महिला ने अपनी कार रोकी और मदद के लिए आगे आई और उसको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक प्रियांशु की सांसें टूट चुकी थी। इस मामले में सोमवार की सुबह पुलिस से जब दोस्त ने शिकायत की तो आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उसका एक स्केच भी तैयार किया गया है जिसके आधार पर उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मंगलवार को सुबह 3 बजे प्रियांशु के शव को उसके परिजन मेरठ लेकर पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार में कॉलोनी के लोग, आसपास के लोग इकट्ठा हुए और हर किसी की आंख नम हो गई। हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी कि कितना होनहार लड़का था। माँ बिलख बिलख कर ये कहती रही कि क्यों मेरे बेटे को मारा, इन आरोपियों को कोई फांसी दिला दो। वो बार बार कहती थी कि शायद मेरे बेटे को इस तरीके से ना मारते, डंडे से पीट लेते तो मैं इलाज करा लेती, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया। इस तरह का जो मंजर था वहाँ, बेहद हृदय विदारक मंजर वहाँ देखने को मिला। पिता ने इकलौते बेटे को मुखाग्नि दी तो हर आंख नम हो गई। पिता बस यही कहते रहे कि मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। इस पूरी घटना में बहन बार बार बिलख बिलख कर ये कहती रही कि मेरे भाई को मुझसे क्यों छीन लिया, उसे तो नया सूट सिलाना था। दरअसल प्रियांशु की बहन गीतिका घर में सबसे बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और वो गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। पिछले अभी दिवाली पर प्रियांशु अपने परिजनों से मिला था, घर आया था और इस दौरान उसकी शादी की बात चल रही थी तो उसने कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, पहले नौकरी पालूं उसके बाद देखूंगा कि शादी करनी भी है या नहीं। इसके बाद उसने बहन से कहा कि दीदी अब कंपनियां इंटरव्यूज लेने के लिए आने लगी हैं और जल्द ही मेरा कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे एक नया सूट सिलाना है। और उसने फ़ोन पे भी, जब वो यहाँ से वापस अहमदाबाद चला गया, इसके बाद उसने घर वालों से बात की, अपनी बहन से बात की तो बहन को बोला कि दीदी मेरा जल्दी ही इंटरव्यू का जो डेट है वो आने वाली है और इसके लिए मैं एक नया सूट सिलवा रहा हूँ, उसके लिए आज शाम को नापा देने के लिए जाऊँगा। लेकिन शायद बहन को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसकी अपने भाई से आज आखिरी बार बात हो रही है। प्रियांशु नया सूट पहन भी नहीं पाया, इससे पहले ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। टर्न पे खड़े थे तो एक बहुत तेज कार से स्पीड आई, तो जैसे यहाँ पे भी बोल देता है कि अरे देख के चला ले या धीरे चला ले, ऐसा कुछ बोल दिया और ये लोग आगे निकल गए। फिर वो लोग, जो कार में था बंदा, वो कार घुमा के वापस लाया और उसको बिल्कुल, जो बाइक थी उसको कॉर्नर पे धकेल दिया उसने कार से, कि मतलब रुकना ही पड़े, अगर नहीं रुकते तो वो ठोक देता। तो ये दोनों रुक गए,
तो उसने बोला कि तुम लोग रॉन्ग साइड खड़े थे, तो इन्हीं सब में वो थोड़ा उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, जो कि ऐसे पहले वर्बल था फिर फिजिकल फाइट में कवर हो गया। वहाँ पे वो इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड था बंदा कि उसे मतलब पता ही नहीं था वो क्या कर रहा है। फिर उसने कार में से चाकू निकाला, इतने में प्रियांशु जो है डिसबैलेंस हो गया, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ रोड थी, तो फिर वहाँ पे जब वो डिसबैलेंस हुआ तो उसने स्टार्ट कर दिया, तो पीछे से मारा चाकू जो है, तो उसे पता नहीं था उस समय जब चाकू मारा प्रियांशु को ना, वो अब ये मुझे नहीं पता कि वो लेके आया तो प्रियांशु ने देखा या नहीं देखा, बट उसने बोला कि अभी रुक अब मैं दिखाता हूँ, और मारने के बाद उसने बोला कि अब आया मजा, ऐसे करके बोला जिस लड़के ने मारा, जिसने मारा ड्राइवर ने, वो 40 साल का कोई आदमी है, बच्चे मतलब लड़का बच्चा नहीं है, वो आदमी है कुछ 40 साल का। उन्होंने जो बना लिया, हमने कभी देखा नहीं है, बट हमें जो न्यूज़ मिली थी वो यही है कि उन्होंने बना लिया है और सर्कुलेट कर दिया है। तो वहाँ फुटेज वुटेज में आई घटना कहीं पे? ये इतना आइडिया नहीं है, मतलब दे वर सर्चिंग फॉर सीसीटीवी पर हमें आइडिया नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो